रुचिता तुम मेरी फिक्र मत करो, परिवार को बचाओ, जाओ। मैं आप लोग के जड़ी बूटी बना के लाती हूँ, आप लोग प्लीज हिम्मत रखिएगा। मैं अभी अभी लाई। मुझे इस शीशे में कैद कर मेरी रुचिता को तकलीफ दी है तू। तुझे तो आज मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हमारी छोड़ और अपने परिवार के बारे में सोच, क्योंकि बहुत जल्द ये इस दुनिया से जाने वाले हैं। तुझे तो बिच्छू डक मार चुका है, इसलिए तुझ पर उसका असर नहीं होगा, वरना तू भी इनके साथ आज तड़प तड़प कर मरता। मेरे साथ तेरा धोखा है और हमारे साथ देवी माँ का आशीर्वाद, और मेरी देवी माँ मेरे परिवार को कुछ नहीं होने देगी। आज इस दुनिया से सिर्फ तू जाएगा, तू। निहार जी, रुचिता, निहार जी, रुचिता, वो पाखंडी है, असली निहार मैं हूँ। नहीं रुचिता, मैं निहार हूँ, मैं हूँ तुम्हारा निहार, वो पाखंडी है। रुचिता, मुझे इस पाखंडी से बचा लो। रुचिता, सोचो मत, मैं हूँ निहार, बचा लो मुझे। रुचिता, ये फिर से एक नई चाल चल रहा है, तुम इसकी बात पर यकीन मत करो। मैं हूँ निहार, वो पाखंडी है, मैं हूँ तुम्हारा निहार। रुचिता, वो झूठ बोल रहा है, वो पाखंडी है, मैं हूँ तुम्हारा निहार। रुचिता, वो झूठ बोल रहा है, मैं हूँ निहार। रुचिता, तुम उसकी बातों में मत आना, वो पाखंडी है, मैं निहार हूँ। मेरे शरीर के खून का कतरा कतरा निहार जी को जानता, इसलिए मैं अपने हाथ से खून बहाऊंगी, और ये खून जिस भी दिशा में जाएगा, मेरे निहार जी वही होंगे। ये लो रुचिता, तुम देखना, तुम्हारा खून मेरी ओर ही बहेगा। नहीं रुचिता, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें ये सब करने की। देखा रुचिता, ये नकली निहार है, तभी तो तुम्हें खून बहाने से रोक रहा है ये। यही मेरे असली निहार जी हैं, जो मेरे खून की एक बूंद भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमें भले ही पहचान लिया रुचिता, लेकिन तुम दोनों हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और ना ही अपने परिवार को बचा पाओगे, क्योंकि इस जहर का कोई तोड़ नहीं है। नहीं, मामा, ये पीजिए, इसे जहर का असर कम होगा। रुचिता, दादी, निहार जी,
निहार जी, निहार जी, माँ, पापा जी, भाभी, भैया, भाभी, दादी जी, पानी, ये रहा मूर्ति का सामान। पूर्णिमा खत्म होने में सिर्फ 2 घंटे बाकी हैं। अगर अपने परिवार को बचाना चाहती है तो इन 2 घंटे में मूर्ति बना और उस देवी को धरती लोक पर बुला, ताकि हम अपने मकसद को अंजाम दे सके। जब यह मूर्ति एक भक्तिन के द्वारा सच्ची श्रद्धा से बनेगी तो उस देवी को इस धरती पर आना ही पड़ेगा, खास करके तब जब महादेव जी भी यहाँ उपस्थित है। अगर मेरे बुलाने पर देवी माँ यहाँ आएंगी तो मैं तुझ जैसे पापी के लिए उनको यहाँ कभी नहीं बुलाऊंगी, चाहे तू मेरी जान ही क्यों न ले ले। हम जानते थे कि तुझे अपनी जिंदगी की कोई फिक्र नहीं है, लेकिन अपने परिवार और सुहाग की तो है ना। पूर्णिमा खत्म होते ही बिच्छू के जहर से तेरे परिवार की मौत हो जाएगी। और इस निहार को तो हम अपने हाथों से मार देंगे। अब फैसला तेरे हाथ में है, किसे चुनेगी तू, अपने परिवार और अपने सुहाग को या उस देवी को? मामा ये लीजिए, पानी पीजिए। वाह, क्या नजारा है। जिस माँ की वजह से हमने इस घर में प्रवेश किया, जो माँ तेरी बर्बादी के लिए हमें इस घर में लेकर आई, आज तो उसी की जान बचा रही है। झूठ बोल रहा है तू, झूठ बोल रहा है। मेरी माँ ऐसा कभी नहीं कर सकती और मैं तेरे झांसे में कभी नहीं आने वाली। अच्छा, इतना यकीन है तुझे तेरी माँ पर, तो ठीक है, मूर्ति बना और इसे बचा ले, फिर इसी से इसका सच जान लेने। हे देवी माँ, प्लीज मुझे क्षमा कर, मैं मजबूर हूँ। अपने परिवार, अपने सुहाग को बचाने के लिए मुझे आपकी स्थापना करनी ही होगी। अधिकार, बस एक बार ये मूर्ति बन जाए, देवी यहाँ आ जाए, फिर हमें उससे शक्ति लेने से कोई नहीं रोक पाएगा। हम किसी को अपने इरादों के बीच नहीं आने देंगे, किसी को नहीं। बस 15 मिनट बचे हैं, जल्दी कर वरना तेरा पूरा परिवार मर जाएगा, तेरी देवी भी उन्हें नहीं बचा पाएगी, जल्दी कर। जैसे इस बाबा के आईने का तोड़ था, वैसे इसके जहर का भी कोई ना कोई तोड़ तो जरूर होगा। देवी माँ,
प्लीज मेरी मदद कीजिए, इस मुसीबत से निकलने का कोई तो रास्ता दिखाइए, कुछ रास्ता दिखाइए माँ प्लीज। गंगा जल, ऐसा तो मेरे साथ कभी नहीं हुआ, फिर ये घटना इतनी सच जैसे क्यों लगी? शहर को या तो जहर काटता है या अमृत, और गंगा जल अमृत समान होता है। पाखंडे, निहार जी गंगा जल से सब ठीक हो जाएंगे, आप इस धोखेबाज को संभालिए, मैं गंगा जल लेके आती हूं। हे माँ, अब मैं क्या करूं? गंगा जल तो पूरा गिर गया, अब मैं कैसे बचाऊं अपने परिवार को? महादेव, विष आपके कंठ में है और गंगा जल आपकी शीश में। समय समय पर आपने अपने भक्तों के लिए विष भी पिया है और गंगा जल का अमृत भी दिया है, और आज मुझे अपने परिवार को बचाने के लिए आपके अमृत की जरूरत है। महादेव, देवी माँ ने मेरे परिवार की हमेशा रक्षा की, तभी शायद उन्होंने ये मूर्ति में नहीं बनने दी। इस बाबा का आपको यहाँ लाना भी शायद उन्हीं की मर्जी थी। महादेव, आप दोनों शिव और शक्ति, आपके समागम से बड़े बड़े दैत्यों का संहार हुआ है। महादेव, इस दैत्य को भी उसके पापों की सजा दे दीजिए। प्लीज मेरी मदद कीजिए महादेव, मेरी मदद कीजिए, मेरे परिवार को बचा लीजिए। पापा जी, ये पीछे। हाँ,
ये नहीं हो सकता। अगर सब लोग ठीक हो गए तो हम मर जाएंगे। ये नहीं हो सकता। देख, तू महादेव को लेकर आया था ताकि देवी माँ को धरती पर आना पड़े, लेकिन माता पार्वती और महादेव को तुझ जैसे पापियों का संहार करने के लिए धरती पर आने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। जहाँ सच्चाई और अच्छाई है, वहीं शिव और शक्ति है, और वहाँ तुझ जैसे पापी कभी पनप नहीं सकते। रुचिता, हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तुझे क्या लगता है कि तू और तेरी देवी जीत गए? नहीं, इस जन्म में ना सही, लेकिन तू और तेरी देवी से हम अगले जन्म में पता लेने जरूर आएंगे। ये युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। तुम जीत गई रुचिता, तुम जीत गई। मैं नहीं निहार जी, हम जीत गए। आज हमारा प्यार और हमारे आस्था की जीत हुई है। थैंक यू रुचिता, तुमने हम सबको बचा लिया। नहीं भाभी, मैंने अकेले कुछ नहीं किया है, ये सब माता रानी और निहार जी की मदद की वजह से ही मुमकिन हुआ है। सही कह रही हो रुचिता, आज महादेव और देवी माँ की कृपा से हमारे परिवार पर आया इतना बड़ा संकट टला है। इसलिए तुम और निहार आज दोनों मिलकर घर के मंदिर में शिव और शक्ति की स्थापना करोगे। जी दादी जी। पार्वती पते हर हर महादेव। घर पे आई विपदा तो टल गई, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा है कि उस पाखंडी बाबा को हमसे क्या चाहिए था, वो यहां क्यों आया था और बार बार देवी माँ का क्यों नाम ले रहा था। और सबसे बड़ी बात तो ये कि वो इस घर में आया कैसे? हमने तो उसका असली चेहरा भी नहीं देखा, वो तो निहार भैया के रूप में आया था। कोई तो और था जो उसकी असलियत जानता था और उसे जानबूझ के इस घर में लाया। और सबसे बड़ी बात तो ये कि वो इस घर में आया कैसे? हमने तो उसका असली चेहरा भी नहीं देखा था, वो तो निहार भैया के रूप में आया था। यानी कोई तो और था जो उसकी असलियत जानता था और उसे जानबूझ के इस घर में लाया। क्या हुआ पूनम? आप
अब ठीक तो है? दस दस का लग। अरे छोड़ो भी, अंत भला तो सब भला, हम सब ठीक है ना? हमारे लिए इतना ही काफी है। जो माँ तेरी बर्बादी के लिए हमें इस घर में लेकर आई, आज तो उसी की जान बचा रही है। क्या सच में जो हुआ उसके पीछे माँ का हाथ था? वही लेकर आई थी उस पाखंडी को, पर क्यों? उस दिन माँ भी एक बाबा को लेकर आई थी ना, उनका क्या नाम था? वो कुछ भगवान, क्या करूं? कुछ तो है जो माँ छुपा रही है। क्या हुआ माँ, आप ठीक तो है ना? बाबा के नाम से आप परेशान क्यों लग रही हैं? नहीं नहीं तो माँ, आप बाबा को जानती थी क्या? बाबा को मैं क्यों जानूंगी? बाबा को मैं नहीं जानती थी। बाबा को पूरे घर में गंगा जल छिड़क देती हूँ, शुद्धि हो जाएगी। हाँ माँ की घबराहट तो यही इशारा कर रही है कि बाबा की बातों में कहीं ना कहीं सच था। कहीं से मुझ पर शक तो नहीं हो गया? उस दिन माँ भी एक बाबा को लेकर आई थी ना, उनका क्या नाम था? वो कुछ भगवान, क्या करूं? माँ आप भी ना थोड़ा आराम से काम किया करो। बेटा ये क्या जला है? ये तो कुछ भी नहीं है। जितनी बड़ी मुसीबत इस घर में आई है और ईश्वर की कृपा से वो मुसीबत इस घर से टली है, उसके आगे ये तो कुछ भी नहीं है। बाप आप छोड़िए रुचिता, तुम पूरे घर में गंगा जल छिड़क दो पूरे। कुछ तो है जो माँ छुपा रही है। जानते हैं आप लोग, जिस बाबा की वजह से हमारे घर में इतनी परेशानी आई, इतनी अशांति हुई, जिस बाबा की वजह से हम सब मौत के मुंह में जाते जाते बचे, उस बाबा को इस घर में कोई और नहीं बल्कि ये योजना लेकर आई, योजना लेकर आई, योजना लेकर आई, योजना लेकर आई। जानते हैं आप लोग, जिस बाबा की वजह से हमारे घर में इतनी परेशानी आई, इतनी अशांति हुई, जिस बाबा की वजह से हम सब मौत के मुंह में जाते जाते बचे, उस बाबा को इस घर में कोई और नहीं बल्कि